जो तुम 65 केजी वेट गेन हो चुका है और मेरा वेट कितना था 59 केजी। जब तुम बल्किंग करते हो और ऐप चल जाते हैं, नशे नहीं आते हैं, भाई बोलने वाली बात। अगली बार कोशिश करेंगे तो भाई अपना बॉडी वेट भी देखना। 60 किलो 30-30 के 3 रैप निकाल दिए लड़के ने। मैंने बिना अंडे खा के 10 निकाले। इसका बॉडी वेट मेरे डबल है। मेरी बात तो सबसे पहले मैं खा लूं 6 एग फुल, ठीक है, कोई हाफ नहीं, कोई कुछ नहीं, थोड़ा टूट भी गई। गाइस बहुत सारे लोग बोलते हैं प्री वर्कआउट मील में आप हाई प्रोटीन क्यों खाते हो। भाई एक घंटा बचा है पूरा भी, तो हाई प्रोटीन तो खाना बनता है, ठीक है, एनर्जी भी रहती है वर्कआउट के बीच में और आलस भी नहीं आता। तो जल्दी जल्दी खाते हो, जल्दी से अंडे को फोड़ते हो। सो गाइस ये हमारा मिनी बल्किंग डे 21 और ये हमारा लास्ट है। देन इसके बाद मैं एक और सीरीज लाऊंगा। उससे पहले आप सभी लोगों को अपना वेट दिखा दूं, मेरा वेट अभी कितना है फिलहाल में। और आज हम शोल्डर वर्कआउट करेंगे, मेरा दोस्त आ रहा आदित्य, दूर रहता हूँ मेरे घर से दूर, तो आज उसके साथ वर्कआउट करेंगे, थोड़ा हैवी वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे। बॉडी कंडीशन दिखाऊंगा उसे कि भाई कैसी है बॉडी कंडीशन और कैसी लग रही है मेरी बॉडी कंडीशन, ठीक है, 21 दिनों की मिनी बल्किंग सीरीज में। बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे कि भाई ऐप चले जाते हैं जब बल्किंग करते हैं, भाई कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, आप बोल लो कि बाल भाई आज ही कटाऊंगा, अच्छे लग रहे हैं मेरे को बिल्कुल भी। बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे कि भाई जब तुम बल्किंग करते हो तो तुम्हारा फैट आता है, गंदा फैट आता है, अच्छा फैट आता है और ऐप्स चल जाते हैं, नशे नहीं आते। भाई बोलने वाली बात है, ये रियली बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम अच्छा खाना खाओ भाई, अच्छा डाइट लो, अच्छा वर्कआउट करो, अच्छे लोगों के साथ रहो। अब तुम जरा खुद सोचो, तुम लड़कीबाजी करोगे बहन जो तो मोमोज चिली बैठे तो रोज के तुम्हारे बॉडी तो अभी तुम्हारी बनी नहीं सकती, ठीक है। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो वर्कआउट भी अच्छा होगा, डाइट प्लान भी अच्छी होगी, तो समझ गए तुम क्या बोलने का मतलब है मेरा। तो आज अपनी बॉडी कंडीशन दिखाता हूँ आपको लास्ट में और पहले भी वर्कआउट करने के समय भी दिखाऊंगा और कितने रैप लगाऊंगा, 4-5 एक्सरसाइज करूंगा बस शोल्डर की, ठीक है। चलते हैं वर्कआउट करने स्टार्ट करते हैं। आज के बाद जो बाहर है प्री वर्कआउट पीते हैं अपना, वर्कआउट को स्टार्ट करते हैं। हाफ हाफ चालीस लैप लगाने, नीचे ला बाबू, क्या हुआ, अगली बार कोशिश करेंगे। तू 30 के 3 निकाले आदि बोल रहे, तू 23 है भाई, मैंने मारे 10। तो भाई अपना बॉडी वेट भी देखना यार, 30-60 किलो 30-30 के 3 रैप निकाल दिए लड़के ने। आदि बोल रहे मैं दूध दही खाता हूँ भाई, भाई तू समझ सकते हो भाई, मैंने बिना अंडे खा के 10 निकाले भाई, मैं भी बिना अंडे भाई मैं खाते हो बिना डाइट बिना सप्लीमेंट के। देखो इसका बॉडी वेट मेरे डबल है, मेरी बात तो ज़्यादा है मेरा और मेरा कम है पहली बात।
सो गाइस अभी अभी रिसेंट बाल कटा के आया, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके थे और ज़्यादा हल्के फुल्के ना दाने भी आने बैठ गए थे। ज़्यादा बड़े बाल होने की वजह से प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है। तो बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे कि भाई गेनिंग करते समय ऐप्स चल जाते हैं, ये चल जाते हैं, वो चल जाते हैं। भाई बोलने वाली बात है बस ये। अभी अभी नहाया हूँ मैं, ठीक है, दैट्स इट। मेरे ऐप्स देखो, ठीक है, बॉडी कंडीशन देखो, काफ़ी सही हो गई है। तो ये बात जरूर याद रखना मेरे भाई, कभी भी शेड्यूल बना रहे हो तुम तो शेड्यूल की तरफ मत चलो। हाँ, बना रहे हो तुमने शेड्यूल, करो वो वर्कआउट। आज तुम्हें मन नहीं कर रहा लेग मारने का ना, थोड़ा हल्का सा लेग मारो, उसके बाद जो तुम्हारी वीक, जो तुम्हारी जैसे कि तुम्हें आज चेस्ट लग रही है नॉर्मल सी, मतलब कि हाँ यार चेस्ट मारने का मन कर रहा है, चेस्ट मार लो। मेरा बोलने का मतलब सिंपल सा है, जो तुम्हारा अभी वीक पार्ट है उसमें ध्यान दो। और हाँ, शेड्यूल बना रखा है तुमने तो शेड्यूल में फोकस करो। हाँ, तुमने शेड्यूल बना रखा है, टाइम टू टाइम हर चीज़ को देना है, बट हाँ जैसे कि आज मेरा लेग मारने का डे है, थोड़ा सा लेग मारने के बाद अपना वीक में जो तुम्हारा पार्ट वीक है उसमें थोड़ा ध्यान देने बैठ जाओ, तुम्हारी अच्छी और अच्छी खासी बॉडी कंडीशन होगी। तो अपना वेट गेन दिखाता हूँ कितना मेरा वेट हुआ। बहुत सारे लोग आपको ये बोलते हुए देखेंगे भाई कि जब वेट गेन करते हैं हमारा ऐप्स जाते हैं, देखो ठीक है, इतने टाइट नहीं दिख रहे होंगे ऐप्स, देखो वीन्स दिख रही है, ये देखो भाई दिखा रहा हूँ तुम्हें वीन्स, ये देखो ये वीन्स, ठीक है। तो भाई बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वीन चल जाती है, ऐप चल जाते हैं, कि बस फैट फैट आता है, कुछ भी फैट नहीं आता भाई, लोगों के बोलने वाली मिथ है ये, बस लोग तुम्हें डराते रहते हैं भाई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने इस जो मिनी वर्किंग सीरीज है इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, 21 दिन के अंदर भाई 5 से 6 किलो वेट गेन, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और हाँ, सावन भी आ गए थे इसमें, आप सभी लोगों को बताएं, ठीक है, तभी भी मैंने वेट गेन कैसे करा इतनी अच्छी खासी कंडीशन। भाई बॉडी कंडीशन देखो यार, तो मेरी एक जगह से वीन्स निकली होगी, मेरे साथ के दोस्त बोले तेरी बैक से वैसे वीन्स निकल रही है। डिसिप्लिन रखना पड़ता है, सारा वेट गेन तुम्हारा अच्छा होगा, तुम्हारी बॉडी कंडीशन अच्छी होगी, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छा वर्कआउट होगा। भाई वेट दिखा दो कितने, वेट देखो 65 kg हो गया, ठीक है। तो मेरे भाई खुद सोचो तुम, 65 kg वेट गेन हो चुका है और मेरा वेट कितना था, 59 kg, और प्योर मसल मास के ये देखो। बहुत सारे लोग तुम्हें बोलेंगे ना ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करना, जो लोग बोलते हैं भाई वेट गेन करते समय भाई नशे निकल जाती है, नशे चल जाती है भाई, ऐप चल जाते हैं, तो ऐप भाई पूरे दिख रहे हैं, नहा के आ रहा हूँ। जबकि अब तुम्हें एक टिप्स देता हूँ मैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, आप ये करना है, जब भी आप वेट गेन कर रहे हो ना अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ा देना। बहुत सारे लोग तुम्हें ये बोलते हैं कि भाई जब वेट गेन करते हो तो कुछ भी खा लो, कुछ भी खाओगे तो तुम्हारा गंदा फैट आएगा, जिसकी वजह से तुम्हें तबीयत खराब भी हो सकती है, पिंपल एक्ने भी हो सकते हैं। भाई वेट गेन गर्मियों में कैसे हो पाएगा, और जब करोगे ना तुम्हें खुद पता चल जाएगा। सो भाई देखो, मैं नॉर्मल खाना खाता हूँ, कोई फैंसी खाना नहीं खाता, देखो डाइट में अंडे वंडे तो पनीर वनीर तो भाई देखो फैंसी नहीं है, रोज डेली खाने पड़ते हैं, ठीक है, प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने के लिए। देन खाने की बात करूँ, कोई ऐसे नहीं है कि रोज ये खाऊंगा रोज वो खाऊंगा, नहीं, खाना दिखाता हूँ आपको नॉर्मल से क्या क्या मेरा, ठीक है। देखो आज पुलाव बनाते घर में, तो पुलाव है, वैसे अचार खाते नहीं है मट्ठे के साथ, बट मैं इसे बाद में खाऊंगा, तो इसे थोड़ा साइड रख देता हूँ, और एक फुल छाछ पी लेता हूँ मैं पूरा एक गिलास भर के, ठीक है। खाना खाने के बाद थोड़ा सिप सिप करके छाछ भी खत्म कर लेता हूँ अपना, ठीक है, और जिसके डाइजेशन में अच्छा मतलब ये होता है। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी, आई होप की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बिकॉज हम सब भाई हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लव यू। और हाँ, नई सीरीज लाने वाला हूँ मैं होममेड, बहुत तगड़ी सीरीज है, पहली बात तो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आप सारे स्टूडेंट भाइयों के लिए, तो फॉलो जरूर करना तब तक के लिए, ठीक है, और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसे कॉल आ गया, बाय बाय।